लो पहला क्वेश्चन है 39 ऑब्जेक्टिव शीट का ईएमआई का। एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, रोटेट्स विद अ स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉड एंड एंड इज व्हाट। वो कह रहा है एक रॉड है, एक रॉड की लेंथ ना एल है, तो आधी कितनी है एल बाई टू, एल बाई टू, और ये इसका सेंटर है, तो ये ना सर्कल में घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका और इसके कोने में ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन में निकालना है। तो इसका रॉड का रेडियस क्या है घूमने का, आर। तो आर इज इक्वल टू एल बाई टू। तो जब एक रॉड घूमती है तो हमने फॉर्मूला किया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो सेंटर और कोने के पॉइंट में ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर रॉड का रेडियस क्या होगा, एल बाई टू, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट कि फिर से रॉड घूम रही है ऑफ रेडियस एल बाई टू, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू एंड ऑफ द रॉड, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में। अब क्योंकि बाई सिमिट्री सबको पता है, सेंटर जो पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर का एंड कॉर्नर का होगा, वही इस सेंटर एंड कॉर्नर का होगा, वो तो जो सेम ही होगा, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, जीरो। तो जब एक रॉड घूमेगी तो कॉर्नर कॉर्नर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, और सेंटर और कॉर्नर में जो ए पार्ट किया वो आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कॉर्नर कॉर्नर में पक्का जीरो आएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको ये गिवन है कि एक स्विच आपने ऑन किया, जब आपने स्विच ऑन किया तो करंट की वैल्यू इसमें इंक्रीज हुई, करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ इस तरफ, तो इसमें बी डेवलप हुआ, बी कैसे डेवलप हुआ आउटसाइड, और वो भी इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, तो बी बढ़ता हुआ आया। तो ये लूप नहीं चाहता बी बढ़े, तो बी ये बी अपना कैसे कर लेगा बोर्ड के इनसाइड, तो फिर कैसे होगा करंट, कैसे होगा क्लॉकवाइज, आंसर इज क्लॉकवाइज। तो हमने ऐसा क्वेश्चन लेंज लॉ में किया भी था। तो इसमें अगर करंट बढ़ेगा तो इसका बी बढ़ेगा, इसका बी बढ़ेगा, ये नहीं चाहेगा तो ये अपना भी ऑपोजिट कर लेगा, तो ऐसा कुछ करना है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में सेम क्वेश्चन है, लूप राइट की बजाय लूप लेफ्ट है, तो ये रिपीट है क्वेश्चन। इसमें इसमें ऐसा होगा कि जब आप इसे क्या करेंगे, स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर सम टाइम इट इज ओपन, पहले दबाया तो करंट बढ़ा, हटाया तो करंट घटा, तो एक बार करंट क्लॉकवाइज तो दूसरी बार करंट एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्वेश्चन, ये रिपीट है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक बार मैग्नेट है, ये रहा बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, ये हमने एक बहुत लॉन्ग इनफाइनाइट कॉपर का सिलेंडर है खाली, उसमें गिर दिया। तो जब लॉन्ग ये मैग्नेट नीचे 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 गिरता जाएगा अपने वेट से, ग्रेविटी जी से, तो ये पहले एक्सलरेट करेगा, एक्सलरेट करने का मतलब अपनी स्पीड बढ़ाएगा। ये सिलेंडर बना हुआ है इनफाइनाइट रिंग से, रिंग्स 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 एंड रिंग्स। तो जब ये एक रिंग में क्रॉस करेगा विद हाई वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, तो इंड्यूस करंट पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे रिंग्स में, जो इसकी मोशन को क्या करेंगे अपोज, करंट पैदा करके नॉर्थ नॉर्थ डेवलप करके इसको अपोज करेगा। तो एक टाइम आएगा जब इनफाइनाइट है तो इसकी वेलोसिटी शुरू शुरू में बढ़ेगी, इंड्यूस करंट बहुत बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू करेगा, और कुछ देर के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी जब इतना हाई इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा कि मैग्नेट को रोक तो हवा में रोक तो सकता नहीं है, पर एक्सलरेट करने से रोक देगा और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा क्या लिखना है, इट विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो शुरू में तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, बाद में स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट होती है ट्यूब में। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन लेंज लॉ में हमने किया हुआ है, जैसे हम इसको दबाएंगे इसमें करंट इंक्रीज होगा, इसमें डेवलप होगा और ये भाग जाएगा ताकि अपने फ्लक्स को कम कर सके। तो लेंज लॉ की एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाई मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है, मोशनल ई एम एफ हो सकती है। बी पार्ट है, एन ई एम एफ कैन बी इंड्यूस्ड बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो भी कंडक्टर के अंदर ई एम एफ
इंड्यूस हो जाएगी, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉड है, एक रॉड को आप वी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगी बीएलवी, बात खत्म। वो कह रहा है ये रॉड को रिप्लेस करके एक रिंग से बना दो, मतलब इसकी शेप चेंज कर दो और सेमी सर्कल कुछ ऐसा सा ऐसा बना दो, पॉइंट ए और बी रहेगा, और अब इसे मूव करवाओ, क्या मोशनल ईएमएफ सेम रहेगी? रहेगी, क्योंकि सेमी सर्कल में भी आप क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ए और बी के पॉइंट को जोड़ना है तो लेंथ तो वही रहेगी, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू विल रिमेन सेम। तुम कैसी भी शेप ले लो इसकी, ए और बी अगर एंड पॉइंट सेम है तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। क्लियर है यहां तक? एट के बाद क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्कुलर लूप्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ये दो सर्कुलर लूप्स हैं एक जैसी हैं, फर्स्ट इज कट एंड बैटरी इज इंसर्टेड बिटवीन इट, ये रहा, काट के बैटरी लगा दी, करंट चेंजेस स्लाइटली बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो कह रहे हैं जो करंट है इसमें क्या होगा, चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, तो मुझे ये बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस पूरे लूप की बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घट गया, तो दो लूप्स पड़ी हुई हैं, इसका करंट घट गया टेम्परेचर के साथ, इसका करंट घटा तो इसका बी घटा, इसे पड़ोस के बी को कम कर दिया, अभी कहती है अच्छा तेरा बी कम हो गया तो मैं भी तेरी तरह ही करंट को घुमाऊंगी ताकि हम दोनों का बी एक तरफ हो जाए, और जब करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो टू वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसलिए इसका आंसर अट्रैक्शन होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से इसका ओवरऑल करंट घटना स्टार्ट हो जाएगा, इसके एक्सिस का बी घटना स्टार्ट हो गया, इसने इसको घटा दिया, तो ये क्या कहता है कि तेरा बी इधर घट रहा है तो मैं भी अपना बी इधर कर लेती हूँ ताकि हम दोनों का बी सेम तरफ हो, हम दोनों के करंट भी एक जैसे हो जाएं ताकि तेरे घटते हुए बी को मैं बढ़ा सकूँ, और जब भी लूप में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो आंसर अट्रैक्शन में जाएगा। ठीक है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट, तो ये लो ये आपका एक सोलेनोइड है कैरिंग करंट, ये रहा, ये एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, एक लूप को लिया कंटेन्स द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, तो एक लूप को ऐसे लिया ताकि इसके अंदर एक्सिस है, मतलब सोलेनोइड का एक्सिस इसके प्लेन के साथ जा रहा है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि बी वेक्टर कहाँ पर है, राइट है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर है, बोर्ड के बाहर है पर पेंडिकुलर टू द लूप, बी और एरिया में एंगल 90 है, फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 90 जीरो, और जब फ्लक्स ही नहीं होगा तो इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, जीरो। तो समझ में आ रहा है क्योंकि लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो बी और एरिया में एंगल क्या बनेगा, 90। तो ये इसका लॉजिक लगाना है आपने 10th का। क्वेश्चन नंबर 11th है, एक लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर नहीं निकल रहा, नॉर्मली आपके क्वेश्चन में क्या होता है कुछ लूप का पोर्शन बाहर है और कुछ अंदर है, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड ही ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, आपको बताना है किसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो ये ना टेक्निकली इसको ऐसे समझना पड़ेगा, पहली बात तो पहला लॉजिक कई स्टूडेंट्स ये लगाते हैं कि इसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हर वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट करंट जीरो है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा लगाना चाहिए कि अगर सपोज करो दो केस हैं, ये लो ये पहला केस है जिसमें लूप का कुछ पोर्शन बोर्ड के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है और कुछ बाहर है, तो लूप का कुछ पोर्शन अंदर है और कुछ बाहर है, और दूसरा एग्जांपल है पूरे का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ऐसे, तो इसमें कुछ पोर्शन बाहर कुछ अंदर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरे का पूरा लूप बोर्ड के अंदर है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है क्या इस पोर्शन में, इसकी लेंथ एल है, क्या इस पोर्शन में ईएमएफ जनरेट होगी, होगी कितनी होगी, बीएलवी,
ठीक है, बी एल वी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, कंडक्टर इधर जा रहा है, करंट ऊपर है आई, तो इसमें करंट ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। डन, आंसर आ गया। मैंने पूछा कि क्या इसमें बीएलवी लग सकता है, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसमें बीएलवी लग नहीं सकता। पॉइंट क्लियर है? लेकिन अब जब मैंने इसमें पूछा कि क्या इसमें बीएलवी लगेगा, आपने कहा बिल्कुल लगेगा बीएलवी, ये रहा, इसमें करंट ऊपर जाएगा जैसे इसमें किया, तो क्या इसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा बीएलवी, और करंट इसमें भी कैसे जाएगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर इस रॉड, ये रॉड अगर फील्ड को कट कर रहा है तो ये रॉड भी फील्ड को कट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें होगी वही डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें भी होगी, दोनों ऊपर ऊपर करंट पास करेंगे और आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसल, इसलिए इंड्यूस करंट, नेट करंट क्या आएगा इसमें, जीरो। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर कोई ये पूछे कि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इस पोर्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, आंसर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, यस लिखना है। क्या इसमें डेवलप होगी, होगी, फिर नेट ईएमएफ क्या होगी, जीरो होगी। अगर लूप टोटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो ये वाला और ये वाला करंट आपस में क्या कर जाएगा, कैंसल। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैंसिल क्यों करेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? और नेट करंट इसमें आपने जीरो बोलना है, नेट करंट जीरो बोलना है, इस वायर में जीरो नहीं बोलना, इसमें है करंट, इसमें जीरो नहीं बोलना, इसमें भी करंट है, लेकिन करंट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड दे विल कैंसिल ईच अदर, तो नेट करंट जीरो बोलना है, फर्क है। वायर में करंट जीरो होना और नेट करंट जीरो होने में फर्क है। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाला आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है यहां तक? तो ये ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 39 है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर जो 40 है उसके एग्जांपल्स, हाँ इसके दो तीन एग्जांपल्स हैं 40 में, दो लूप्स हैं अभी किया क्वेश्चन, पैरेलल है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर करंट मैंने बढ़ा दिया, पिछला क्वेश्चन सेम था सेम लूप्स का, पर मैंने इसमें करंट घटाया था, जब घटाया था तो इसने करंट सेम कर लिया था और ये अट्रैक्ट हो गए थे, अब इसने करंट बढ़ा लिया, अब इसको पता लगा करंट बढ़ गया तो ये क्या करेगा, ये उल्टा करंट डेवलप करके इसके बी को कमजोर कर देगा, और जब करंट दोनों में उल्टे होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो एक शॉर्टकट है, अगर आमने सामने दो लूप पड़ी हुई हैं और अगर पहले का करंट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दे विल अट्रैक्ट, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो दे विल रिपेल। इंक्रीज करने में तो ये परेशान हो जाएगा और ये भाग जाएगा यहाँ से रिपेल, कि तुमने मेरा बी कैसे इंक्रीज किया, और डिक्रीज करने में ये पास आ जाएगा कि मैं अपना बी को क्या कर सकूँ, इंक्रीज कर सकूँ, यही शॉर्टकट है। और ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं रेक्टेंगुलर क्वाइल पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और ये रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये लूप ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर, और अगर ये घूम रहा है तो भी एरिया वेक्टर बाहर है, तो बी में और एरिया में एंगल विल रिमेन सेम, तो फ्लक्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी बी ए कॉस 180, अभी बी ए कॉस 180, घूमने से फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि बी तो अभी भी बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर अभी भी बोर्ड के बाहर है, बी और एरिया में एंगल क्या है, सेम, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अगर कैसे रोटेट किया जा रहा है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये एक्सिस अगर ऐसे रख के इसको रोटेट किया जाए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वायर, ये होता है ऐसे रोटेट करेगा, तो इसमें ईएमएफ या करंट पैदा नहीं होगा, क्योंकि बी और एरिया में एंगल चेंज नहीं हो रहा। पर अगर ये ऐसे रोटेट करेगी, हाँ ये जनरेटर बन गया, अब इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, डिपेंड करता है। तो समझ में आ रहा है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में लूप ऐसे घूमता है तो ईएमएफ पैदा नहीं होती, ये पता होना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है?